अरे यार तो नीचे कर लिए आगे कर लियो परेशान लाइन बना रही है, लाइन बना रही है। चारों लोग अब आप सीधे खड़े हो जाओ। ठीक आगे मांगेंगे बाद में। सुना से हैं कुछ चले जाओ बस। जो सामान है वो कहाँ उसको आप अमूमन एक तख्ता रखिए और उस पर बिछा कर इतना गाड़ी के अंदर ही बन गया वो सर। बना लिया सही से गाड़ी खड़ी करके अच्छा आ गया। बोलो ना मंडी भैया प्रेजेंटेशन आप ठीक कराइए बिल्कुल क्या मतलब निकाल चले इतने दिन इंस्पेक्टर हो ये सही क्या मतलब ऐसे मामले में दो तीन महीने में जमानत हो जाती कोई रियल रियल गुड वर्क ऐसा भी नहीं क्या वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बहुत अच्छा वुडवर्क है उसको डेवलप करके विद इन अ वीक इसका पूरा रैकेट आपको नाबूद करना है तो आपको छोड़ूंगा नहीं सर पीछा करता रहूंगा। इसके नीचे बहुत बड़ी वो है इनाम भी कर लीजिएगा जिनकी मुखबिरी पे हरी हरदोई पुलिस की थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम और स्वाट सर्विलांस टीमों ने मिल करके एक बड़ा अच्छा गुडवर्क किया है। इन्होंने जहरीली शराब के सौदागरों का भंडाफोड़ किया है। चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कुख्यात अपराधी हरवेंद्र अमित महादेव और राहुल यादव ये कन्नौज जिले के रहने वाले हैं। ऑर्डर मिलने पर ये बड़ी मात्रा में जहरीली अपमिश्रित शराब बनाते हैं। इनको हरदोई से ऑर्डर मिला था और ये हरदोई में आकर के शराब बना ही रहे थे तभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 1,080 क्वार्टर यानी कि कुल करीब 24 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। दो प्लास्टिक की जरी कैन में करीब 100 लीटर स्पिरिट मिली है। 108 खाली क्वार्टर्स मिले हैं। 1619 क्यूआर कोड नकली मिले हैं। इसी तरह से ढक्कन और अपमिश्रण के लिए यूरिया भी बरामद किया गया है। एक टाटा टियागो कार जिसमें या चलते थे और उसमें से ऑपरेट करते थे उसको हमने बरामद किया है। 5 अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनको ऑर्डर किसने दिया है। सर शराब को क्या चुनाव में गलाने का होता है? ये पूरा शराब जो है जो भी हमने बरामद किया और आगे अभी इनके बयानों के आधार पर जो क्लू मिले उसे बरामदगी होगी। इनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें खपाने के लिए बहुत सारे लोगों को लालच देने के लिए
ये शराब तैयार कराई जा रही है और उस पर काम करने की हमको बहुत आवश्यकता, हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं। आगे भी इस तरह की बरामदगियाँ होंगी, हमारे पास काफ़ी क्लू इनसे भी मिले हैं और जो भी इसका माफिया होगा, सरगना होगा, उसको ज़रूर ही अगले 3-4 दिनों में हम गिरफ्तार करके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तक सर कोई इन्होंने सप्लाई की है या नहीं इस बारे में? अभी इसमें इन्होंने काफ़ी क्लूज दिए हैं, कुछ सप्लाइयाँ भी इन्होंने कन्नौज और फरुखाबाद इलाकों में की हैं, लेकिन अभी हरदोई में पहली बार सप्लाई करने की फिराक में थे, इनको पकड़ा गया है। इनके जो भी कस्टमर्स हैं उनके कुछ डिटेल्स आए हैं, जल्दी ही हम उनका भंडाफोड़ करके फिर आपको अवगत कराएं। इनका सर आपराधिक इतिहास भी रहा है कुछ क्या? फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन अभी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजना है। भेजने के बाद संभव है कि इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनसे और भी गहराई से पूछताछ की जा सकती है।